Assalamu alaikum everyone, this is Bilal from VideoWaliSarkar and I am here at Samsung's launch event where there are launched three Samsung new devices. Now two devices are A8 Plus and A8 which you were expecting for a long time. First of all, let's talk about the mobile phone prices. A8 को पाकिस्तान के अंदर 64,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च किया गया है 65,000 की प्राइस में और उसके बाद अगर आप A8 Plus की बात करते हैं तो इसकी प्राइस मार्केट में आ रही है 84,000 के करीब अब देखने में ये मोबाइल फोन्स काफी हद तक फ्रंट साइड से तो आपको नोट सीरीज की तरह के ही लगेंगे जहां पर आपको एक बहुत बड़ी इंफिनिटी डिस्प्ले वाली स्क्रीन देखने को मिल जाती है लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो कि दूसरे फोन्स के अंदर और इस फोन के अंदर मौजूद है वो इनके फ्रंट कैमरास हैं बेसिकली इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड के ऊपर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और इसी ड्यूल कैमरा सेटअप की वजह से आपको दो ऐसे फीचर्स इस मोबाइल फोन के ऊपर मिल जाते हैं जो कि इससे पहले मेरे ख्याल से किसी भी Samsung की दूसरी डिवाइस के ऊपर अवेलेबल नहीं थे पहली चीज तो ये है कि A8 और A8 Plus दोनों ही मोबाइल फोन्स के अंदर आपको फेशियल रिकॉग्निशन मिल रही है जिसका मतलब ये है कि आप इन मोबाइल फोन्स की तरफ देखकर इनको अनलॉक कर सकेंगे अब इससे पहले हमें ये चीज आईफोन के ऊपर देखने को मिल चुकी है लेकिन Samsung ने किसी हद तक एक हायर मिड रेंज मोबाइल फोन के अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट किया है अब ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर आपको जो फेशियल रिकॉग्निशन मिल रही है वो बेसिकली इसके फ्रंट कैमरास को यूज करते हुए है तो यहां पर कोई खास किस्म का सेंसर नहीं लगाया गया उसके अलावा इसके जो फ्रंट कैमरास हैं उनके अंदर एक और फीचर आपको देखने को मिलता है और वो फीचर है लाइव फोकस का इससे पहले ये फीचर हमें नोट सीरीज के बैक कैमरास के ऊपर देखने को मिला था जहां पर ये कैमरास जो थे आप लाइव फोकस के थ्रू यूज करते हुए बैकग्राउंड ब्लर को चेंज कर सकते थे लेकिन अब ये फीचर जो है इसके फ्रंट कैमरा के ऊपर भी आपको अवेलेबल मिल जाता है स्पेसिफिकेशन वाइज अगर इस मोबाइल फोन के कैमरा के ऊपर नजर डाली जाए तो इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरास पर आपको 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के दो सेंसर मिल जाते हैं जिनका अपर्चर है f1.9 जबकि बैक कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिल रहा है f1.7 अपर्चर के साथ एक चीज जो कि मुझे काफी हैरानकुन लगी है वो ये है कि इसके बैक कैमरा पर आपको 4K रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलती जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर नॉर्मली कोई भी दूसरा ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है उसके अलावा एक और डिफरेंस जो कि काफी ज्यादा वेलकमिंग है वो इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन है जितने भी Samsung फैंस थे वो एक ही चीज कह रहे थे कि Note 8 हो या S8 हो उनके फिंगरप्रिंट सेंसर की जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है फाइनली Samsung ने इसको फिक्स आउट कर दिया है और आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपके कैमरा के बिल्कुल नीचे देखने को मिल जाता है और यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये काफी ज्यादा इजीली एक्सेसिबल है और कोई भी बंदा बड़ी आसानी से इसको एक्सेस कर सकता है उसके अलावा ओवरऑल जो डिवाइसेज हैं उनके अंदर आपको बाकी वो सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि कोई भी Samsung की डिवाइस आपको प्रोवाइड कर सकती है तो यहां पर आपके पास बिक्सबी भी बकायदा तौर पर अवेलेबल है उसके अलावा यहां पर अगर आप रैम और स्टोरेज की बात करते हैं तो आपको 4GB रैम मिल जाती है 64GB की इंटरनल स्टोरेज है और उसके अलावा आपको देखने को मिल जाता है एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर अब यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि दोनों ही फोन्स के अंदर आपको ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते अगर आप बात करते हैं A8 और A8 Plus की तो जो दो डिफरेंस इन दोनों फोन्स के अंदर अवेलेबल हैं वो ये है कि A8 जो है उसकी स्क्रीन साइज छोटी है और उसमें बैटरी थोड़ी है और अगर आप बात करते हैं A8 Plus की तो वहां पर स्क्रीन साइज और बैटरी को थोड़ा बढ़ा दिया गया है उसके अलावा बाकी कैमरा वाइज उसके अलावा स्पीड वाइज आपको इन दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर किसी किस्म का कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो में इतना ही दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ अल्लाह हाफिज़